गुड मॉर्निंग यूट्यूब पीपल, कैसे हो आप सब लोग। मैं भी यार जस्ट अभी अभी उठाऊँ, कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था वापस आते आते होटल रूम पे, और बहुत ज़्यादा थक गए थे। अभी अभी उठाऊँ, वैसे तो मैं रात को ये सोच के सोया था कि सुबह उठूँगा और थोड़ा वर्कआउट करने जाऊँगा, स्विमिंग करूँगा, फिर ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा। बट इतना गंदी थकान हुई थी ना यार, उठने का मन ही नहीं करा। और अभी 9:50 हो रहा है और ब्रेकफास्ट मैं छोड़ नहीं सकता होटल का, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है यार। तो अभी जाऊंगा, पहले ब्रेकफास्ट करूंगा। अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज करा है, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद कुछ घंटे बाद जाएंगे वर्कआउट करने और स्विमिंग करने के लिए, और उसके बाद फिर शाम को दोबारा से साउंड चेक, देन शो, उसके बाद फिर वापस रात को दोबारा से अपने रूम पे। चलो अब चलते हैं, पहले फटाफट से ब्रेकफास्ट करके आते हैं, वरना 10:30 के बाद तो नीचे बंद हो जाएगा। चलो जी, ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो गए, अब निकलते ब्रेकफास्ट करने। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, अब इसके बाद पूड़ी और छोले भी लेंगे। आप खाएंगे पूड़ी और आलू मटर की सब्जी और उसके बाद जूस। चलिए भाई, ब्रेकफास्ट तो ख़त्म हो गया, अब चलते हैं बाहर, थोड़ा सा धूप लेते हैं। डोनट्स खाओगे? चलिए गाइस, हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए थे और नींद बहुत आ रही थी, तो यार वापस आके दोबारा सो गए, 1 घंटा सोए थे। तो अब कितना हो गया टाइम, 12:15 हो रहा है, तो अब जाते हैं थोड़ी देर पे बस वर्कआउट करने के लिए। ये शायद जिम जाएंगे और मैं स्विमिंग करने जाऊंगा और फिर वापस आएंगे, देन कुछ देर बाद फिर लंच करने के लिए निकलेंगे। चलिए जी, रेडी हो गए वर्कआउट करने के लिए। और जो जरा पूल देखे यार, यहाँ का पूल कैसा है यार। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए तो इनफ है। नहीं यार ठीक है, उतना छोटा भी नहीं है। नाइस, सामने व्यू अच्छा है यार, 4 फीट ही गहरा है। थोड़ा सा पहले जिम करते हैं, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करने के बाद फिर आएंगे वापस पूल में और थोड़ा फिर रिलैक्स करेंगे। आ जाओ भैया। तो भाई यहाँ पे तो अक्षय भाई पहले से वर्कआउट करने लग गए हैं, अब हम भी करेंगे शुरू। क्या करूँ आज, थोड़ा सा सोच रहा हूँ चेस्ट कर लेता हूँ, चेस्ट वर्कआउट, और थोड़े से शोल्डर प्रेसेस कर लेता हूँ, और थोड़ा कार्डियो स्विमिंग पूल पे करेंगे। डोला 21 इंची डोला भाई का रोला।
चलिए गाइस, वर्कआउट इज डन नाउ, अब चेंज करते हैं और चलते हैं स्विमिंग पूल में। चलो यार बाद में नहाएंगे, पहले खाना खाने जाते हैं यार, क्योंकि पहले भूख ज़्यादा लग रही है। हाँ गुरु जी आ जाओ। तो फूड आ गया अब हमारा, अब बस खाते हैं यार फटाफट से। ग्रिल्ड फिश किस में? थैंक यू। हाँ आप लोग का आ गया। भाई मैश पोटैटो भी बहुत सही लग रहा है। जज मी और यू लाइक। जज तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये बचपन की कुछ खराब आदतें हैं। तो मैं तो ग्रिल्ड फिश खा रहा हूँ और ये मैश पोटैटो वगैरह, बाकी गगन भैया और अक्षय भाई खा रहे हैं बटर चिकन, चिकन बिरयानी। वैसे तो मुझे भी वही खाना चाहिए बट यार वो तो रेगुलरली खाते रहते हैं तो मैं थोड़ा सा आज डिफरेंट खाना पसंद करूँगा। वैसे गाइस व्हाट आई लाइक अबाउट माय प्रोफेशन इज़ ना, लोगों को काफ़ी पैसे खर्च करके ट्रैवल करना पड़ता है, फ्लाइट की टिकट्स या अगर वो रोड से ट्रैवल कर रहे हैं तो कैब्स और होटल्स घूमने फिरने के लिए। तो ये चीज़ें मेरे प्रोफेशन में मेरे को वैसे ही मिल जाती हैं, अच्छे होटल्स पर रहना, खाना पीना अच्छा और लाइक फ्लाइट ट्रैवल्स, रोड ट्रैवल्स। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत पसंद है और मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है सच में। तो मैं ब्लॉगिंग में भी इसलिए ही आया था कि यार मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो क्यों ना मैं अपनी जो ये जर्नी है ये सबके साथ शेयर करूँ और दिखाऊँ कि एज अ म्यूजिशियन हम लोग लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं अपनी। तो ये कुछ झलक है और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा ये सब देख के। बट हाँ एक चीज़ ये भी है कि ये चीज़ें ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और हम सब ने मेहनत करी है तो आज हम ये चीज़ को मतलब जी पा रहे हैं। तो जो बिगनर्स म्यूजिशियंस हैं वो लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो और लोगों के साथ कांटेक्ट में रहो, अपने कांटेक्ट्स बिल्ड करो, लोगों के साथ घुलो मिलो बैठो, जैमिंग्स करो और ट्रैवल करो, शोज़ करो, मज़े करो। चलिए जी रेडी हो गए आप दोबारा से सेकंड डे के लिए, आप निकल रहे हैं फटाफट से शो करने के लिए, साउंड चेक के लिए। और ये गगन भैया भी रेडी हो गए। बैक टू आवर वर्क प्लेस। भाई ठंडी पानी बॉटल देना। चले गाइस एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि आज हमारा शो बाहर ना होके इंडोर हो रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है, हालांकि गर्मी बहुत है, आप देख सकते हो मेरा चेहरा पसीने से। तो इन्होंने दो साउंड्स लगवा रखे थे, एक आउटडोर और एक इंडोर, कि इनकेस अगर कुछ मौसम ख़राब भी होता है तो हम इंडोर शो कर सकें। तो आओ अंदर का साउंड सेटअप दिखाता हूँ। तो
इवेंट चल रहा है अभी शायद से, अभी इवेंट स्टार्ट हुआ नहीं। तो आज गाइस काफ़ी सारे मोटो व्लॉगिंग वाले यूट्यूबर्स भी आ रखे हैं जो गाड़ियों को रिव्यू करते हैं। ये भी एक यूट्यूबर है, मैंने ये सारे चेहरे देखे यूट्यूब में, बट मैंने एक्चुअली इनके चैनल्स के नाम ढंग से याद नहीं है। एक ये भी है यूट्यूबर, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आज आ रखे हैं। तो अब यहाँ पर इन लोगों का इवेंट ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पर अब हम जाके साउंड चेक कर रहे हैं। अभी गगन भैया साउंड चेक कर रहे हैं, तो मेरा गिटार का साउंड चेक हो चुका है और मैंने अपने मॉनिटर्स में भी साउंड बनवा लिए। अब अक्षय भाई कर रहे हैं अपना साउंड चेक। चलिए जी, शो तो ख़त्म हो गया, शो बढ़िया गया, अच्छा गया, मज़ा आया परफॉर्म करके आज भी। अब बस थोड़ा सा मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, बहुत देर से रुक के रखा था। चलो खाना खाएं आप। क्या लें आज? रारा गोश्त है, इसमें ग्रिल चिकन है और यहाँ पे क्या है, गोन फिश करी। देखना जरा कैसा भैया ये इसको खिलाना, फिश करी है ये। यार ये ज़्यादा क्या, ये रारा गोश्त मटन नहीं, ये कीमा वाला। मैं यार आज हल्का सा ही खाऊंगा, मैं हैवी कुछ नहीं खाऊंगा आज। तो मैं मेरी कसम खानी पड़ेगी। ना 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 ना, मेरी जिंदगी का वास्ता, मेरे कहन का और मेरी जिंदगी का वास्ता, लक्ष्मण अक्षय का वास्ता है। खाना कैसा लग रहा भैया? अच्छा, मैं तो भाई फिश और राइस खा रहा हूँ। ये चिकन लिया था मैंने, ये बिल्कुल ढंग से कुक नहीं है, और थोड़ा सा मटन लिया है। तो यहाँ पर यार मीठे में भी बहुत कुछ है, चीज़ केक्स वगैरह है, मोका केक स्लाइस और क्या है, आइसक्रीम और मूंग की दाल का हलवा। बट आज मैं नहीं खाऊंगा ये सब, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है, स्विमिंग भी करी है, तो मैं आज मीठा नहीं खाऊंगा। आज मैं बहुत कंट्रोल में चल रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि कंट्रोल में ही रहूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा बंद कर दिया तो उसके बाद खा लूँगा, नहीं खाऊँगा मतलब नहीं खाऊँगा। फिश के साथ यार करो ना, करके दिखाओ, दही, क्या कॉम्बिनेशन है भाई साहब। चले गाइस, अब आज के ब्लॉग को अब यहीं पर ही एंड करते हैं। खाना पीना सब कुछ डन, शो भी ख़त्म हो गया पूरा हॉल। हाँ चले गाइस, अब आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। अभी ना क्या हो रहा है कि आई होप ये वाला ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा। चलिए अब इस ब्लॉग अब कल मिलते हैं गाइस, अब मैं निकल रहा हूँ होटल। अच्छा एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आज का व्लॉग मैं एंड नहीं कर रहा, आप तीनों कर दो मिलके मेरा व्लॉग एंड। ओके, व्हाट कैन वी डू फॉर यू? बस कुछ अच्छा सा बोलो और व्लॉग एंड कर दो। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। हाँ, आज हमारी परफॉर्मेंस हो गई है, हम हुंडई का शो कर रहे हैं एक्सटर्न के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बढ़िया व्लॉग है ये, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। तो कल मिलते हैं। Stay tuned. कुछ डाला गले में फंसा। बस बस बस, चलो गाइस इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी से, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट। एक मिनट, कुछ बोलना चाहते हैं वो? मेरे लोग दिल्ली में है, अगर आपके घर में पानी आ गया तो स्विमिंग करो, इन्जॉय करो। गुड नाइट।